और फेसबुक से रिलेटेड हमारे पास ड्राइव में वीडियो अवेलेबल होना चाहिए। यस, फेसबुक मार्केटिंग। स्विच करेंगे यहाँ से। चलिए तो फेसबुक मार्केटिंग के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज़ फेसबुक मार्केटिंग? और चलिए जूम कर लेते हैं यहाँ से थोड़ा, ताकि आप सभी को क्लियरली विजिबल हो। वाई फेसबुक? करंटली वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज 7.8 बिलियन, आउट इफ विच ओनली फेसबुक हैज़ 2.8 बिलियन ऑफ यूजर्स डेटाबेस। सो एज इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट साइबर कंट्री, इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर मार्केटिंग पर्पजेज। सो फर्स्ट पॉइंट इज B2C सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लेटफॉर्म बिजनेस टू कस्टमर, यानी कि अगर आपको डायरेक्टली एंड यूज़र के साथ इंटरेक्ट होना है तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। फेसबुक हैज़ इट्स ओन यूनिक एल्गोरिदम विच कैप्चर्स एवरी एक्शंस ऑफ द यूज़र ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरेस्ट। फेसबुक कंसिस्ट ऑफ 2498 मिलियंस एक्टिव यूज़र्स। व्हाट्सएप इज ऑल्सो नाउ अ पार्ट ऑफ फेसबुक इको सिस्टम विथ 2000 मिलियंस एक्टिव यूजर्स। मैसेंजर्स एंड इंस्टाग्राम आर ऑल्सो ऑन्ड बाई फेसबुक नाउ विथ 1300 2000 मिलियंस एक्टिव यूजर रेस्पेक्टिवली। 62% इंटरनेट यूजर्स यूज फेसबुक। 80 मिलियंस प्लस बिजनेसिस पेजेस ओवर देयर। 65% यूजर्स आर अंडर 35 ईयर्स एंड 96% यूज़र यूज़ फेसबुक ऑन मोबाइल फ़ोन। एवरेज यूज़र स्पेंड 60 मिनट ऑन फेसबुक एंड 86% डिजिटल मार्केटर्स यूज़ फेसबुक। सो फेसबुक इज़ वेरी बजट फ्रेंडली फॉर आर बिजनेस ग्रोथ एंड वी कैन ऐड आर एडवर्टीजमेंट्स देयर एट वेरी चीप अफोर्डेबल रेट। इफ़ वी डोंट वॉन्ट टू स्पेंड मनी एंड रन आर एड्स देन ऑल्सो वी हैव फ्री एक्सेस टू क्रिएट अ बिजनेस पेज ऑफ आर फोन एंड पोस्ट कॉन्टेंट। फेसबुक इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर स्टार्टअप्स एज इट इज नंबर वन B2C प्लेटफॉर्म। नाउ लेट अस मेक वन फैन पेज एंड अंडरस्टैंड द मैथोलॉजी। फर्स्टली वी लॉग इन टू फेसबुक प्रोफाइल एंड क्लिक ऑन क्रिएट न्यू पेज ऑप्शन। आफ्टर दैट वी विल एड सम इंफॉर्मेशन लाइक पेज नेम, मल्टीपल कैटेगरीज एंड डिस्क्रिप्शन। साइड बाई साइड वी विल बी शोन द डेस्कटॉप मोबाइल प्रीव्यू ऑफ आर पेज।
After that, we will save the information, and then after add profile pictures and cover photo of our page, we can use Canva tool for designing pictures, or you can use Photoshop and Illustrator, जिसमें भी आप comfortable हैं. So for example, अगर हम लोग यहाँ से Facebook open करते हैं इस तरह से, और मैं यहाँ से इसको लॉग आउट करूँगा अभी के लिए, ताकि आपको मैं समझा पाऊँ अच्छे से. अब आप यहाँ से इसमें लॉग इन करिए. तो देखिए, जब भी हम लोग फेसबुक के ऊपर आते हैं डिफ़ॉल्ट, ठीक है, अभी आप देखेंगे हमारा यूआरएल डिफ़ॉल्ट गया है facebook.com. यहाँ से हम लोग लॉग इन करते हैं. नीचे आप यहाँ नोटिस करेंगे क्रिएट अ पेज फॉर ए सेलिब्रिटी ब्रांड एंड बिजनेस, ठीक है, जिसके लिए भी आप पेज बनाना चाहते हैं आप यहाँ से पेज बिल्ड कर सकते हैं. जनरली जितने भी यूज़र्स यहाँ पर अवेलेबल होते हैं वो लोग अपना प्रोफाइल बनाते हैं, बट बिज़नेस के लिए हमें पेज की रिक्वायरमेंट होती है, अगर आप किसी ब्रांड से रिलेटेड कोई पेज वगैरह अपना डिज़ाइन करते हैं उस केस में. तो क्या करें हम लोग यहाँ पर, तो देखिए क्या डायरेक्ट पेज बनाया जा सकता है. अगर हम लोग क्रिएट अ पेज पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से देखेंगे बिज़नेस और ब्रांड, या फिर कम्युनिटी एंड पब्लिक फिगर. पब्लिक फिगर में हमारा कौन कौन लोग आ जाते हैं, जैसे कि पॉलिटिशियंस, एक्टर एक्ट्रेसेस, मॉडल्स, इस तरह के लोगों को हम लोग पब्लिक उसमें डालते हैं. बिजनेस और ब्रांड में शोकेस योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, स्पॉटलाइट योर ब्रांड एंड रीच मोर कस्टमर ऑन फेसबुक. सो किसके साथ आप जाना चाहते हैं, तो ये आपके पास ऑप्शन रहेगा. तो सबसे पहली चीज़, ईमेल और फ़ोन नंबर पासवर्ड वगैरह डाल के आपको यहाँ पर साइन अप करना पड़ेगा. तो अगर मैं यहाँ से जैसे क्लिक करूँ तो कनेक्ट योर बिजनेस योर सेल्फ और योर कॉज टू द वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी ऑफ पीपल ऑन फेसबुक टू गेट स्टार्टेड चूज अ पेज कैटेगरी. सो आप देख सकते हैं दोनों ही ऑप्शंस यहाँ पर क्या है, डिसेबल है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, साइन अप करना पड़ेगा, देन यू कैन क्रिएट पेज ऑन फेसबुक. तो डायरेक्ट हम लोग पेज नहीं बना सकते हैं, तो ये चीज़ का हमने ध्यान रखना है. बैक आएंगे यहाँ से, लॉगिन करेंगे इसके अंदर, ठीक है. तो पहले आपने क्या बनाना है, प्रोफाइल बनाना होता है. तो जब हम लोग डेस्कटॉप में चलाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे एक ये हमारा प्रोफाइल है यहाँ पर इस तरह से, और इसके अंदर हम यहाँ पर बनाते हैं अपना पेज, ठीक है. यहाँ से आप जाके ये पेज देख रहे हैं इसके अंदर, जो हमने अरीना एनिमेशन के नाम से इसके अंदर क्रिएट किया हुआ है. ओके, तो यहाँ से हमारे पेजेस वगैरह क्रिएट हो जाते हैं इसमें. तो आप यहाँ से अलग अलग पेजेस जो भी आप बनाना चाहते हैं इसके अंदर जाके क्रिएट करके आ सकते हैं. तो चलिए ज़रा समझते हैं कि भाई ये हो गया यहाँ पर पेज. अगर मुझे कोई नया पेज बनाना हो तो किस तरह से हम लोग पेज वगैरह इसके अंदर जाके बना सकते हैं, वो चीज़ें भी हम लोग समझेंगे. तो यहाँ आते हैं. सो आफ्टर दैट वी विल ऐड पेज इंफॉर्मेशन लाइक पेज नेम, ठीक है. तो जैसे अब हम लोग पेज की बात करते हैं तो हम लोग यहाँ जाके लिखते हैं onlyfacebook.com, इस तरह से ही आपका आ गया. अब आप यहाँ देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि अरीना एनिमेशन प्रीतवियार यहाँ पर हमारा अवेलेबल है. सी मोर पर क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या कोई और ऑप्शंस इसके अंदर हमें दिखाई दे रहे हैं. तो जैसे यहाँ आप देखेंगे इसमें फीड, ग्रुप, वीडियो, मेमरीज़, यहाँ पर हमें दिख रहा है ऑप्शन पेजेस, क्लिक ऑन पेजेस. तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारा एक जो है पेज वो यहाँ पर अवेलेबल है इस तरह से. तो मेटा बिजनेस सूट पर हम लोग यहाँ से क्लिक करते हैं, क्योंकि अब जो है पेज बनाने का तरीका बदल चुका है. तो यहाँ पर आप देखेंगे आपकी कौन कौन सी प्रोफाइल इसके साथ एसोसिएटेड है. इधर आते हैं हम लोग इसमें, तो यहाँ पर आप देखें क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो करके आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिखाई देगा. तो यहाँ से आप बिजनेस पोर्टफोलियो जो भी आप बना रहे हैं वो आप यहाँ से जाके अपना फर्स्ट नेम, सरनेम, जो भी है अपना यहाँ पर जाके इन्फॉर्मेशन वगैरह अपना पुट करेंगे. तो बिजनेस पोर्टफोलियो ब्रिंग योर फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम अकाउंट एंड द पीपल हु वर्क ऑन देम टुगेदर, सो यू कैन मैनेज देम इन ऑल इन वन प्लेस. तो आप देख सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पर इंस्टाग्राम और अपना फेसबुक दोनों चीज़ें एक ही जगह से हैंडल कर पा रहा हूँ इस तरह से. यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको अपना करंट प्रोफाइल इधर से आपको पता चलता रहेगा. इसको बंद करेंगे तो मेटा के अंदर बेसिकली जाके आज की डेट में हमारी चीज़ें जो हैं वो मैनेज होती हैं.
यहाँ से आप ऑल प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो आपको दोनों चीज़ें यहाँ से आपको दिखाई दे जाएंगी, कौन कौन से पेजेस आपके पास अवेलेबल हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर आप अपना पेज बनाएं, ठीक है, उसके बाद अपनी प्रोफाइल पिक्चर कवर फोटो अपना अपलोड करें, जैसे कि हमारा इसके अंदर अपना ऑलरेडी अपलोडेड है प्रोफाइल पिक्चर एंड कवर फोटो। आफ्टर दिस वी विल ऐड डिटेल्स इन अबाउट अस सेक्शंस, डिटेल्स लाइक कैटेगरी, वेबसाइट्स, ईमेल एड्रेस एंड कैन बी एडेड हेयर। तो यहाँ से आपने अबाउट के पेज में आना है, यहाँ से जाके हम लोग अपनी सभी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर पुट करके आते हैं, इस तरह से कि भी हमारे सोशल मीडिया लिंक्स, हमारी कोई वेबसाइट वगैरह है, कोई ईमेल आईडी है, कोई फ़ोन नंबर वगैरह है, वो सब चीज़ें आप इसके अंदर इस तरह से डाल के आ सकते हैं। नेक्स्ट, नाउ एज वी हैव क्रिएटेड आवर पेज, वी विल नाउ सी दैट वॉट आर द नेक्स्ट स्टेप विच वी शुड टेक फॉर ग्रोइंग आवर पेज एंड रीचिंग आउट वाइडर ऑडियंस। तो ये एक टेस्ट पेज है हमारा, तो जब आपका कोई पेज वगैरह क्रिएट हो जाता है तो आपने यहाँ से अपने पेज को फॉलो करने के लिए अपने पेज को लिंक, पेज के लिंक भेजने होते हैं, ठीक है। नाउ एज वी हैव क्रिएटेड आवर पेज वी विल सी द नेक्स्ट स्टेप विच, यहाँ ये हो गया, फर्स्टली वी विल लाइक आवर फेसबुक पेज ऑन आर ऑन एंड आस्क सम ऑफ आर नोन पीपल क्लाइंट्स टू लाइक इट। Growing every page means getting more likes on that page. Now we will go to share options and share the page to our friends, community, etc. Also we can use invite friends option in under order to share the page. We can also share the URL of our page to other joint Facebook pages of ours. This will help us to reach wide audience and hence increase the chance of growing our page. Now we will edit our action button located nearby the profile photo. We can edit any actions which we want our visitors to take, like follow, view gift card, start order, book now, get quote, call now, contact us and send message and etc. So ये सारी चीज़ें आप इसके ऊपर कर सकते हैं इस तरह से। तो ये पेज जैसे कि मैंने यहाँ पर एक बनाया था अपना इस तरह से, तो क्या होता है कि जब हम लोग सेम ब्रांड के दो पेज बना लेते हैं तो आप क्या करते हैं, जो इनकी गाइडलाइंस होती हैं उसको आप ब्रीच करते हैं। तो जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज़ बिकॉज अरीना एनिमेशन पेजर गोज़ अगेंस्ट आर कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स। सी डिटेल्स हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर जाके पता लगेगा, दिस इज़ बिकॉज स्टैंडर्ड वी है दीज स्टैंडर्ड्स बिकॉज वी वॉन्ट एवरी वन टू फील सेफ, रिस्पेक्टेड एंड वेलकम। If your content goes against our community standards, again your account may be restricted or disabled. You can disagree with the decision if you think that we have got it wrong. तो आप यहाँ से जाके इनको काउंटर कर सकते हैं कि भाई नहीं, हमने जो बनाया वो सही डिफाइन किया हुआ इस तरह से। तो अब जैसे अरीना एनिमेशन को ऑलरेडी बना हुआ था हमने, लेकिन फिर भी अपना एक टेस्ट पेज अपना इस तरह से डिफाइन कर दिया, इस वजह से हमें ये शो कर रहे हैं। तो मैं आपको इसको समझाने के लिए क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर इसको हम लोग बंद कर देते हैं। हम आपके लिए क्या करेंगे, यहाँ से एक मैं अपना अकाउंट ओपन कर लेता हूँ ली वास्तु के नाम से, और वहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ चीज़ें कि किस तरह से काम करती हैं। सो ये जैसे आप एक देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल पेज ब्रांड का, जिसपे कोई इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस या कोई प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट नहीं होगा। यहाँ पर हम लोग आते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे सी ऑल प्रोफाइल्स, तो यहाँ पर दोनों चीज़ें हमें सेम नाम से दिखाई दे रही हैं, ठीक है, जैसे ली वास्तु एंड दूसरा यहाँ पर ये स्विचिंग टू ली वास्तु इस तरह से। सो यहाँ पर अगर हम लोग ली वास्तु पर क्लिक करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑफिशियल पेज इस तरह से, ठीक है, जिसके ऊपर रेगुलर हमारा कंटेंट क्या होता है, पोस्ट होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं हर डेट के साथ हमारा कुछ ना कुछ कंटेंट यहाँ पर पोस्ट हो रहा है ना। तो
इस तरह से चीज़ें हमें यहाँ पर डिफाइन करनी होती हैं। ये हमारा प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो ये हमारा प्रोफेशनल डैशबोर्ड अगर हमें दिखाई देगा, जिसमें हमारी पोस्ट की रीच कितनी बन रही है, कि इंगेजमेंट क्या आ रहा है, लोगों ने लाइक किया डिसलाइक किया, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से इसमें पता चलती रहती है, किस तरह के मैसेजेस वगैरह हमें आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो हम जो भी चीज़ें देखेंगे वो यहाँ पर देखेंगे, पोस्ट कुछ नहीं करेंगे, जस्ट समझने की कोशिश करेंगे चीज़ें किस तरह से काम करती हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको एक पेज अपना दिखा दिया इस तरह से, चलिए। तो अच्छा हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई जब आप यहाँ से सी ऑल प्रोफाइल्स पर आते हैं तो दो चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं सेम ही नाम से, वन इज़ प्रोफाइल एंड अदर इज़ पेज। तो यहाँ से हम लोग क्लिक करते हैं, तो ये जो है आपका, ये बेसिकली आप देख सकते हैं क्या लिखा रहा है, प्रोफाइल इस तरह से। ठीक है, तो प्रोफाइल वाला ये हम लोग पार्ट देख रहे हैं, प्रोफाइल बनाने के बाद ही हमारा पेज क्रिएट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑल प्रोफाइल, अब आप यहीं पर एक नीचे ऑप्शन देखेंगे, जब हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे सी ऑल के अंदर, आपको दोबारा से दिखाने की कोशिश करते हैं, क्रिएट न्यू प्रोफाइल और पेज का ऑप्शन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इस तरह से। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पर अपने अकाउंट के अंदर दिखा रहा हूँ कि भाई अगर हम लोग यहाँ पर फेसबुक रन करते हैं तो फेसबुक के अंदर जैसे कि ये हमारा पेज है, अगर हम यहाँ से प्रोफाइल में स्विच करते हैं सी ऑल प्रोफाइल्स, यहाँ से हम लोग उसको क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आप यहां से सी ऑल पर क्लिक करेंगे तो आपको यहां से क्रिएट न्यू प्रोफाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, और यहां पर आप देख रहे हैं क्रिएट न्यू प्रोफाइल और पेज का ऑप्शन। ठीक है, तो डिफरेंस समझ में आ रहा है, क्योंकि यहां पर वायलेशन की वजह से इन्होंने इसको डिसेबल किया हुआ है। तो जैसे आप क्रिएट न्यू प्रोफाइल पर आप यहाँ जाओगे, ठीक है, तो आप यहाँ से कोई प्रोफाइल बनाना चाह रहे हैं या फिर आप कोई पेज वगैरह क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ देखें प्रोफाइल नेम लिखा हुआ में रिटर्न हो रहा है, और अगर मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ इसके अंदर क्रिएट अ न्यू प्रोफाइल और पेज, तो आपको यहाँ पर चूज़ करने के लिए मिल रहा है ऑप्शन, प्रोफाइल बनाना चाह रहे हैं या फिर हम लोग कोई पेज बनाना चाह रहे हैं और अपग्रेड एग्जिस्टिंग प्रोफाइल। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ऑप्शन होता है जब हम लोग कोई पेज बनाने जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हम लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन देख लिया इसके अंदर। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे हाउ टू यूज़ फेसबुक फॉर बिजनेस मार्केटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ गोल सेटिंग्स। तो वेयर आर यू नाउ मीन्स दैट हाउ मच टाइम सिंस वी हैव क्रिएटेड आर फेसबुक पेज, और आर वी जस्ट आर न्यू वी एंड हैव क्रिएटेड टू पेज फ्यू डेज बिफोर। वॉट इज़ वर्किंग फॉर यू मीन्स विच आर द पोस्ट स्ट्रेटजी दैट आर वर्किंग फॉर अस एंड वी आर रीचिंग टू आवर टारगेटेड ऑडियंस। So, do you have logo? Creating a accurate related logo is one of the important factor for business marketing because it is the thing which represents our brand first impression. So, एक meaningful logo आपके पास होना चाहिए। Next, have you made correct branding with slogan? Similarly, like a logo, a good slogan is also required according to business point of view. ठीक है, for your Facebook page. सो जैसे कि अगर हम हमारे इस फेसबुक की बात करते हैं पेज की, और यहाँ पर अगर हम लोग आते हैं सी ऑल प्रोफाइल्स, देन यहाँ से हमारा ये बिजनेस पेज, तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना एक स्लोगन मेंशन किया हुआ है डिज़ाइन योर डेस्टिनी करके इस तरह से। ठीक है, ये हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, तो दिस इज़ अ स्लोगन डिज़ाइन योर डेस्टिनी। Have you made correct branding with slogan? Similarly, like a logo, ये हमने पढ़ लिया। To look at our competitors and observe what they are doing and achieving page growth is known as competitive analysis. So now to check who is our competition and to unfold their strategies, we will use a professional tool named SpyFu. So SpyFu एक tool होता है basically, अब ये paid हो चुका है, पहले ये free रहता था, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। स्पाईफू पर जाके आप कॉम्पिटिटिव कीवर्ड रिसर्च टूल्स फॉर गूगल एड्स, यहाँ से सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो इनका एक प्राइसिंग मॉडल यहाँ पर अवेलेबल है, अगर हम लोग जैसे इसमें जाते हैं तो आप देख सकते हैं, आप इनका कोई भी प्लान फ्री वाला नहीं है। ठीक है,
तो यहाँ पर आप देखेंगे ये बेसिक है, ये लिमिटेड टाइम ऑफर के लिए इन्होंने अपना बनाया हुआ है बेसिक प्लान, ठीक है। $9 पर मंथ आप इसमें पे करेंगे, इसमें $79 आप पे करेंगे और देन फिर आप इस तरह की एक्टिविटी कर पाएंगे, आप अपने कंप्यूटर वगैरह को चेक कर पाएंगे क्या वो बेसिकली यूज़ कर रहे हैं अपने। वी विल गो टू spyfood.com एंड एंटर आर कीवर्ड और वेबसाइट इफ ऑन्ड। एज सुन एज वी डू डैट वी विल सी द रिपोर्ट्स कमिंग एंड एज वी स्क्रॉल डाउन वी विल बी एबल टू सी द कॉम्पिटिशन सेक्शन वेयर वी कैन सी हु आर आर ऑर्गेनिक कॉम्पिटिटर। तो यहाँ से इस पर आप ऊपर जाएँ, ठीक है, spyfood.com के ऊपर, और यहाँ से आप एक साइन अप करें इसके अंदर, या फिर आप यहाँ से अपना कोई डोमेन नेम वगैरह एंटर करें, जैसे कि एंटर योर डोमेन, हम यहाँ लिखते हैं livastu.com, दिस इज़ आर डोमेन। यहाँ पर जाएंगे, एंटर करेंगे, कहाँ सर्च करना चाह रहे हैं आप, अपनी लोकेशन बताएंगे इसके अंदर, लाइक जैसे कि इंडिया, एंड क्लिक ऑन सर्च। ठीक है, तो इस तरह से आपका यहाँ पर कुछ रिपोर्ट जो होगा रिलेटेड वो जनरेट करना स्टार्ट करेगा, जैसे कंपटीशन जो आ रहा है ऑर्गेनिक कॉम्पिटिटर ऑफिस इंटीरियर्स, ठीक है, यहाँ से स्टूफर, यहाँ से इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास ये ऑर्गेनिक कॉम्पिटिटर्स हमें डिस्प्ले हो रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। पेड कॉम्पिटिटर फिलहाल यहाँ पर कोई नहीं है, ये सारे हमारे शेयर्ड ऑर्गेनिक कीवर्ड्स कॉम्पैक्ट है, लीवास्तु ऑफिस इंटीरियर के नाम से यहाँ पर एक्टिव केयर physiotherapy.com, ठीक है, ऑल कीवर्ड्स 81 कोर्स, इस तरह से यहाँ से बेस्ट पोजिशन टू सिट इन ऑफिस, ठीक है। तो यहाँ से कुछ हमें टॉप पेजेस वगैरह कुछ देखने के लिए मिल रहे हैं, द प्रोज एंड कॉन्स, इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं। तो आपके पास जो भी अपनी वेबसाइट का नेम हो वो आप इस के अंदर जाके डाल के चेक करके आ सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर जाके लिख देता हूँ अरीना एनिमेशन इंडिया .com एंड क्लिक ऑन सर्च, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक 92% ऑर्गेनिक ट्रैफिक हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है इसके अंदर। पेड कीवर्ड 72 है, एस्टिमेटेड मंथली PPC क्लिक 73, एस्टिमेटेड मंथली गूगल एड्स बजट जो है वो हमारा इतना यहाँ पर दिखा रहा है इसके ऊपर, अरीना एनिमेशन इंडिया .com के ऊपर। तो SEO क्लिक्स 849 है, एस्टिमेटेड मंथली SEO क्लिक्स चेंज है वो 607 है, इस तरह से इम्प्रूव्ड रैंक्स, यहाँ से ये सारा इन्फॉर्मेशन, ऑर्गेनिक कॉम्पिटिटर अरीना एनिमेशन दिल्ली, बेस्ट एनिमेशन स्कूल .wordpress.com, अरीना मल्टी मीडिया, अरीना एनिमेशन CP, माई अरीना .in, ये पेड कॉम्पिटिटर्स हैं जो बेसिकली इसके साथ कॉम्पिटिट कर रहे हैं। यहाँ पर इस तरह से आपके पास एक रिपोर्ट जनरेट होके आ जाएगी इसके अंदर, ठीक है। तो जैसे टॉप गूगल एड्स बाय रिकमेंडेशन, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन, तो यहाँ पर आप इस पर इंप्रेशन देख सकते हैं, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, SQL फॉर डेटा साइंस, डिजाइनिंग कोर्सेज, लर्न पाइथन फॉर फ्री, तो किस पर कितने इंप्रेशन हैं, क्या हैं, वो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर जैसे यूडमी आपका है, इसके ऊपर MET ऑनलाइन है, यहाँ पर आप देखेंगे कोर्सेरा अवेलेबल है, इसके अंदर हम देखेंगे कॉलेज देखो है, यहाँ पर हमारा PGDM, और गूगल एड हिस्ट्रीज की यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही हमें। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर जाके चीज़ों को अच्छे से चेक वगैरह कर सकते हैं। डोमेन काफ़ी पुराना होगा तभी आपको इस तरह के डेटाज वगैरह देखने के लिए मिलते हैं इसके अंदर, टॉप कीवर्ड, शेयर्ड कीवर्ड, कंपटीशन, डोमेन ओवरव्यू, वो सारी चीज़ें। तो इसका 92%। इसी तरह से हम लोग कोई डिफरेंट अरीना -, मल्टीमीडिया, एंड क्लिक ऑन सर्च, तो आप देखेंगे 100% ऑर्गेनिक ट्रैफिक, ठीक है, ऑर्गेनिक 3206 कीवर्ड्स, यहाँ से पेड कीवर्ड्स ओनली 7 है इसके अंदर, और यहाँ से आप इसके देख सकते हैं कॉम्पिटिटर कौन कौन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो आप व्यू ऑल कॉम्पिटिटर्स में जाके पूरी डिटेल देख सकते हैं, हो सकता है ये कुछ आपसे चार्जेस वगैरह की डिमांड करे, ठीक है, क्योंकि बेसिक आपको रिपोर्ट यहाँ से मिलती है, बहुत ज़्यादा इनडेप्थ रिपोर्ट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी इसके अंदर।
यहाँ से आप कीवर्ड्स वगैरह देख सकते हैं, अगर ये दिखा देता है तो। ये SEO कीवर्ड्स हैं, सेवेंटी 733834, यहाँ से इस तरह से। ओके, दिस अ टूल spyfu.com, तो इसका आपने बेसिकली ध्यान रखना है, आप इसकी हेल्प से चेक करके आ सकते हैं। तो यहाँ पर आपने कॉपी किया ये मेल लिंक आपके साथ, आगे बढ़ते हैं। एज सुन एज वी डू दैट वी विल सी द रिपोर्ट्स कमिंग एंड एज वी स्क्रॉल डाउन वी विल बी एबल टू सी कॉम्पिटिशन सेक्शन वेयर वी कैन सी हु आर आवर ऑर्गेनिक कॉम्पिटिटर। नाउ टू चेक द ऑडियंस इनसाइट्स वी विल यूज फेसबुक बिल्ड फेसबुक ऑडियंस इनसाइट टूल। वी कैन एक्सेस दिस टूल विद आर फेसबुक एड मैनेजर अकाउंट। वी विल क्रिएट आर ऑडियंस बाई प्रोवाइडिंग आर टारगेटेड लोकेशन एज एंड जेंडर। After that we will add our interest and thereafter see the report. As we have provided everything we will be shown the age and gender report. Seeing those reports we can now strategize and target the higher engaging audience group. Facebook insights tool will also show the relationship status and education level of our audience. Now to do research of our business related competitor we can go to their social media pages and check that which type of audience or followers are engaging with them and what kind of content they are publishing. For example, we will check Facebook page of Ola Cabs and read comments on their latest post and observe that which kind of audience are interacting there. While researching our competitor's social media pages, we can see that there are many users with negative comments. Example, they are not impressed with the service of that business. So like this we can observe the problem and correct it in our business model. So जैसे यहाँ पर ओला कैब का एक एग्जाम्पल लिया गया है, वैसे अगर हम लोग जिस भी मॉडल में काम करें लाइक कॉस्मेटिक्स के अंदर हैं, एजुकेशन के अंदर हैं, तो हम लोग उनके कॉम्पिटिटर को ये एनालाइज करें कि किस तरह की प्रॉब्लम्स को वो लोग वहाँ पर फेस कर रहे हैं और उसके सॉल्यूशंस के साथ आप अपने सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह बनाएं ताकि एक एंड यूज़र की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हो। The next step in Facebook business marketing is building customer persona. Example, customer avatar worksheet. It is an hypothetical customer impressions which we are making on the basis of our research and observation that what should be the goal and values which we should focus on or other resources or information. Also, we should focus on possible objectives and roles which challenges the customer face. Always we need to take care of the pain points of our customer in order to run a good business. A Facebook page can also rank on Google search engine. So if we are providing certain type of services which can rank on Google and Facebook page both, it can be very beneficial of our business. It will mainly help us understand that on which particular keyword people are searching us. Now we will see that how we can drive traffic from Google search to our Facebook page. We will first search the, just say for example, fun and petals on the Google, and then we will see that the Facebook page and Instagram page of that particular business is also ranking by which it can easily drive traffic to all its social medias. So just say example के लिए अगर मैं यहाँ पर Google में put करता हूँ ली वास्तु, so here you can see my वेबसाइट, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, ये सभी मेरे यहाँ पर अवेलेबल हैं, ठीक है। सो ये सभी हमारे क्या कर रहे हैं, रैंक कर रहे हैं इसके अंदर, है ना। 1420 रिजल्ट्स हमारे यहाँ पर हमारे ली वास्तु से रिलेटेड अवेलेबल है। आप हर एक पेज पर देखेंगे हमारा ही कंटेंट यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा आपको।
We can also edit the page information which we have added while creating our Facebook page. It can be beneficial if we can add our searched keyword in our Facebook page name. For that, we will go to edit page information sections and add new name if we want to change. Similarly, we can change the username, but just for once. After changing the information, there is no going back, so we need to correct it wisely. सो जो यूज़र नेम हम लोग अपने पेज का रखते हैं वो 15 दिन में 20 दिन में 30 दिन में एक बार हम लोग चेंज कर सकते हैं, बार बार हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। इसका आपने ध्यान रखना है कि जो भी नेम आप अपने पेज का चूज़ करें वो ध्यान से रखें, ऐसा ना हो कि आप बार बार ट्राई करने की कोशिश करें बार बार आप चेंज नहीं कर पाएंगे। इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शंस ऑफ आर फेसबुक पेज वी कैन ऐड आर टारगेटेड कीवर्ड्स विच कैन बी वेरी यूजफुल फॉर रैंकिंग फैक्टर। फर्दर we can also add multiple categories in order to correctly characterize our page according to Facebook algorithm. In the description section of our Facebook page, we can add our targeted keyword which can be very useful for ranking factor. Further, we can also add multiple categories in order to correctly characterize our page according to Facebook's algorithm. Similarly, we can also edit and add some of the additional information regarding our products or services which we provide and other related things. Next, understanding Facebook algorithm and content marketing. So till now we have seen that how Facebook is number one platform for business to customer marketing. So Facebook is one of the biggest content rich platform on which images, videos and GIF files are in very large numbers. Algorithm of Facebook: whenever we post a new content on our Facebook page, the Facebook platform shows that content to 1% to 5% of our audience first. यानी कि जब भी आप कोई Facebook पे पोस्ट डालते हैं, पहले के टाइम में क्या होता था कि जैसे मान लो मेरे अकाउंट में 1000% है, 1000 के 1000 तक हमारा डेटा जाता था और लाइक वगैरह हमें वहाँ से रिसीव हो जाते थे, व्यूज़ वगैरह। बट आज की डेट में ऐसा नहीं होता। एल्गोरिथम क्या करती है, फर्स्ट आपका जो कंटेंट होगा 5% से ज़्यादा लोगों तक आपका कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। And if that audience is interacting and engaging in a proper way, then only that content is further distributed to others remaining audience and hence something sometimes get viral. So अगर वो 1 से 5% लोग अगर उसके ऊपर रिस्पॉन्स देते हैं तो आपका कॉन्टेंट आगे बूस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। We should always create multiple content and proper content in order to engage with our audience. If our content is good and engaging, then only it will reflect in our audience feed. Otherwise, there are many ongoing content which are better than ours. The three important parameters of Facebook engagements are like: user will click on like button if he or she enjoy the content provided. Comments help FB algorithms to understand the content better and hence rank higher. Share allow user to connect with other people in order to show the share content. A product or service is ready to sell only if first the concept of the product is sold and understood by the customer. That's why we use Facebook funnel approach for business management. First thing which we should always remember while creating content on Facebook with marketing purpose, it's that we will never directly ask our audience to buy the product. We will first develop a trustworthy relationship with our audience and then after only we will recommend our products or services. This will not only help us generate sales but also our audience will be loyal to us and engage with us more than before. That's why building relationship in social media marketing is very crucial. Digital marketing sales funnel kis tarah se kaam karta hai? First is awareness. Utilize platform like Facebook, YouTube, blogs and Google to reach out to your targeted audience with interesting content to attract cold leads. Interest. If audience is interested in our product or services, we can provide them with a free PDF or ebook or tutorial. Satendra sir. Nahi, ye to coding ki class hai.
provide them with a free PDF or ebook or tutorial which can help to solve their problem and answers their queries. Third is desire. By giving us their credential like email, they have shown interest in our brand. Actions. This is the time to close the deal and have audience purchase our product with full trust. So different ways of setting up Facebook marketing for business. इसको हम लोग समझेंगे कि किस किस तरह से हम लोग यहाँ पर लोगों के साथ engage कर सकते हैं in our next session. So first, आप सभी अपने pages में क्या करें, जाके एक profile page create कर, business page create करने की कोशिश करें, किसी भी नाम से assume कर लें और उसको आप try करके देखें. Right.